हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। ये आलू का पराठा, ये है दही और ये है स्वीट में सिवई। तो बस आज हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं रात से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। डिनर की तैयारी हो गई है, बस रोटी बनाना है। इसके लिए मैं आटा लगा रही हूँ। इसमें 2 गिलास आटा और 1 गिलास पानी डाल करके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ये बहुत अच्छा है आटा सानने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, कम लग रहा था। अब ये देखिए आटा बहुत अच्छा सन गया है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके चिकना कर लेंगे और बहुत ही अच्छा आटा लग जाता है। अब मैं रोटी बना रही हूँ और उस तरफ मैंने आलू चढ़ा दिया है कुकर में, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे आलू के पराठे बनाने, तो मैंने कहा रात को ही मसाला तैयार करके रख लेते हैं आलू का। और ये रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है और सब लोग बस खाने के लिए बैठ गए हैं। और ये मेरे आलू उबल गए थे, मैंने सोचा रात को ही क्यों ना सारा काम फिनिश कर लूँ। तो अपना बर्तन भी काम कर लिया और ये मैं रात को ही किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मैं आलू छील करके मैश कर लूँगी, पूरे आलू को अच्छे से मैश करके। ये देखिए मैं मैश कर रही हूँ। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आलू ज़्यादा उबलने नहीं चाहिए। इसमें मैं धनिया पत्ती काट करके मिला रही हूँ और हरी मिर्च को बीच से काट करके बहुत बारीक बारीक काटूँगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्च धनिया पत्ती बहुत ही टेस्टी लगती है आलू के पराठे में। ये मिला दिया मैंने। अब इसमें मैं अपना नमक मिला रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाना है। अब इसको सबको अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं आपको सेवई दिखा रही हूँ कि ये सेवई देखिए ऐसी रहती है। और इसको मैं सोलर कुकर में सिवई भुन गई है। मैंने आपको पहले दिखाया था कि बिल्कुल वाइट थी और ये अब कैसी बिल्कुल रेड हो गई है और अंदर तक ये भुनती है, जो कि कढ़ाई में भुनने में उतनी अच्छी नहीं भुनती है। तो इसको हम फटाफट अब बना सकते हैं, जब मन चाहे तभी तुरंत ही बन सकती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने देखा ये कि मैंने आलू के पराठे के लिए आलू बिल्कुल रेडी कर ली थी रात को ही। मॉर्निंग से बस हम लोग ने क्लीनिंग वगैरह कर ली, चाय वगैरह सब पी लिया है और बस मैं आ गई हूँ किचन में। अब बनाऊंगी यम्मी यम्मी से आलू के पराठे और दही के साथ, बहुत ही यम लगते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा। ट्राई क्या, बहुत लोग तो खाते ही होंगे दही और आलू के पराठे। तो आप कमेंट में बताइए किसको किसको पसंद है आलू के पराठे और दही। मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसके साथ आज मैं बनाऊंगी सिवई। तो सिवई भी आपने देखा कि सोलर कुकर में भून करके रख लिया, इतना इजी हो जाता है। फटाफट बस गरम करूंगी थोड़ा सा सिवई को कढ़ाई में और दूध में डाल करके पका दूंगी और शक्कर डाल के बस सिवई रेडी। मतलब मेरा काम ज्यादा नहीं है, फटाफट करूंगी। तो सबसे पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ, जिससे सिवई एक तरफ पकी रहेगी और एक तरफ मैं पराठे बनाती रहूंगी। जब तक दूध गर्म होगा कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालूंगी, सिर्फ जरा सा, 1 चम्मच सिवई डाल दूंगी। अपने दूध के अकॉर्डिंग सिवई डालें, क्योंकि फूल करके ये अभी और हो जाएगी ज्यादा। अब इसको साइड में रख देंगे। जब दूध में उबाला जाएगा तो उसमें शक्कर डाल देंगे और फिर सिवई डाल देंगे। मैंने जलेबी की रेसिपी शेयर की थी आपसे पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखी क्या? अरे जाओ यार जल्दी देखो, बहुत ही अच्छी जलेबी, कुरकुरी जलेबी बनी थी। अगर आप लोग इस समय मिस कर रहे हैं जलेबी को, तो आप घर पर बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि बाहर तो आपको अभी खाने को मिलना नहीं है और कई दिनों तक नहीं मिलना है। कौन संक्रमित है कोरोना से भी पता भी नहीं है, तो इसलिए अभी अगर लॉकडाउन खुल भी जाए उसके बाद भी बाहर का ना खाएं तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। तो फिर फटाफट मेरी जलेबी आप देखिए पिछला वीडियो और घर पर बढ़िया बनाइए और एंजॉय करिए जलेबी पोहा। दूध भी उबाल आ गया है, मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ। जितना मीठा आपको खाना उतनी शक्कर डालिए।
अब ऐसे ही आराम से धीरे धीरे पकती रहेगी। और इधर मैं बना रही हूँ पराठे, मैं पराठे बटर से बनाऊंगी, इसको मैं मेल्ट कर लूंगी माइक्रोवेव में। ऐसा छोटी एक आटे की लोई ले लेंगे, अच्छा इसको चिकना कर लेंगे लोई को, थोड़ा सा बर्तन लगाएंगे और इसके हाथ से ऐसे गोल गोल थोड़ा सा गड्ढा टाइप का करते हुए अंदर से इसको लोई को बड़ी कर लेंगे हाथ से ही, क्योंकि इसमें हमको आलू का मसाला भरना है। कर लिया ये देखिए ऐसे, अब यहाँ बीच में ऐसे गड्ढा करके ये मैंने आलू का मसाला रात को ही रेडी कर लिया था। ऐसे भर लिया, इसको चारों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ आटे को करके ऐसे बीच में बंद कर दिया। ये ऐसे इसको दबा दिया और इसमें परथा लगा करके बेल देंगे। हल्के हाथ से बेलना, नहीं तो जो अपना आलू का मसाला है वो सब बाहर आ जाएगा। इसे हल्के हाथों से बेल देंगे। तवा गरम हो गया, इसमें पलट, अगर आटा थोड़ा चिपक रहा है तो बटर लगा देंगे। फ्रिज में आटा और आलू का मसाला पहले से रखा हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा बनता है। तो अब अगर तुरंत भी आटा सान ले तो उसको एक दो घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख दे, मसाले को भी फ्रिज में रख दे, उसके बाद बनाएंगे तो बहुत अच्छे पराठे बनेंगे, फटेंगे नहीं। इसको पलट लिया और एक तरफ एक बटर लगा लिया। ये सिवई पक गई है, अभी इतनी लिक्विड रखें क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको इतनी ही लिक्विड रखेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। समय रेस्टोरेंट की बहुत याद आ रही होगी सबको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाते ही रहते हैं, सबकी एक आदत रहती है, घूमने जाते हैं तो लगता है कुछ बाहर से खा के आ जाओ, समय सब चीज़ें घर पे ही बनाते हैं तो बस रेस्टोरेंट की कमी पूरी हो रही है। देखिए यम्मी आलू के पराठे। तो लीजिए हाजिर है आज हमारा ब्रेकफास्ट, ये है आलू का पराठा और ये है दही और ये है मीठी मीठी सी सिवई। तो ऐसा बढ़िया यम्मी सा ब्रेकफास्ट करिए और अपने घर में रेस्टोरेंट जैसा फील पाइए। इस समय हमें बहुत ही अच्छा खाने की ज़रूरत है, मतलब इम्यूनिटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं और फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, ग्रीन वेज ज़्यादा खाएं। कोरोना से निजात पाना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है कि ये लॉकडाउन के बाद हम जब बाहर निकलेंगे तो कितने लोग संक्रमित होंगे कोरोना वायरस से। तो इसलिए जब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखेंगे तो हमारे पास कोरोना वायरस आने का चांस कम रहेगा, इसलिए अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान दें और ऐसा घर का बना हेल्दी खाना खाएं। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, ईट हेल्दी, बाय बाय।